कराई जाए, वो इंक्वायरी कमेटी या हम सीबीआई से कराइए या किसी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस से कराइए। और तीसरी ये मांग है, लाठीचार्ज किसके आदेश पे हुआ? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश पे हुआ या एसएसपी के आदेश पे हुआ? जिसके भी आदेश पे हुआ है, तत्काल प्रभाव से पहले बनारस के जिला कलेक्टर को और बनारस के पुलिस कप्तान को भी सस्पेंड किया जाए, क्योंकि पुलिस कप्तान और जिला कलेक्टर की भी भूमिका जो वीडियो में देखने को साफ साफ मिल रहा है कि बड़ी ही दोहरे तरीके की है, बहुत ही गड़बड़ भूमिका उनकी निकल के उभर कर सामने आ रही है। साथियों, वीडियो आया है जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र और छात्राएं गांधीवादी तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से धरने पर बैठे हुए हैं और बनारस का जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और पुलिस कप्तान दोनों, उन लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पूरा मिलिट्री पूरा फोर्स उनको घेरे हुए रहता है। फिर लगातार जहां छात्र धरना दे रहे थे वहां वो लोग जाते हैं और सरेआम बिना अनाउंस किए, बिना कुछ बोले उनको लाठियों से पीटने लगते हैं। ये लाठीचार्ज किसके आदेश पे हुआ है? पूरा एक घटनाक्रम एक तरीके से हमें लगता है कि वाइस चांसलर और जिला प्रशासन के द्वारा प्रायोजित था, छात्राओं को ये लोग पीटना चाहते थे। साथियों, हम चाहते हैं कि इनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई हो। जो हमारी प्राइमरी डिमांड जो छात्राओं ने उठाई थी कि घटना के जो दोषी हो उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और इस जो लाठीचार्ज की घटना है उसकी न्यायिक जांच हो, और जो तमाम मसले उठाए गए थे सीसीटीवी से लेकर जीएस कैश तक की पेट्रोल बोर्ड में महिलाओं की भर्ती की, इस तरह की डिमांड को पूरा किया जाए। साथियों, ये घटना प्रायोजित है, ये वही लोग हैं जो लोग टीवी चैनल से लेकर तमाम जगहों पर आयोजन और प्रायोजन का खेल खेलते हैं। इनका चरित्र ही आयोजन और प्रायोजन का है। मैं बताना चाहता हूं कि ये घटना स्वतः स्फूर्त तरीके से हुई और एक तरीके से एक छात्रा के साथ इस घटना हुई है, गुस्सा आना लाजमी है और बीएचयू के गेट पर तमाम छात्र जुटते हैं। लेकिन अगर वास्तव में आप जानना चाहते हैं कि घटना के तह में क्या है, तो आपको अब 2017 चल रहा है, इसके 3 साल पहले जाना होगा, जब उसी नवंबर में जीसी त्रिपाठी वाइस चांसलर बन के आते हैं और उनका बयान क्या आता है कि हाँ, मैं आरएसएस से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पर जब गुरु गोलवरकर हुआ करते थे तो 16 शाखाएं इस कैंपस में लगा करती थी। मेरा ये सपना है कि इस कैंपस में 17 शाखाएं लगे। जो आदमी एक यूनिवर्सिटी में आके इस तरह का घटिया बयान देता है जिसका कोई भी अकादमिक उपलब्धि नहीं है, वो आदमी आकर जिसका न किसी नहीं शोध में, नहीं अकादमिक डिस्कोर्स में कहीं कोई नाम नहीं है, वो आकर पहला ही जो बयान देता है वो एक मतलब कह सकते हैं कि वो बयान शैक्षणिक बयान तो नहीं था, उसे शिक्षणेत्तर या गैर शैक्षणिक बयान कह सकते हैं वो देता है। आप सोच सकते हैं कि जिसकी शिक्षा पर, जिसकी रिसर्च पर, जिसके शोध पर कोई दृष्टि ही नहीं है, वो क्या यूनिवर्सिटी चलाएगा? साथियों, मत